नमस्कार, न्यूज विंग टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूँ काजल मेहता। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। योगा सेहत के लिए कितना है जरूरी, आइए देखते हैं क्या कहते हैं आदित्य जी, और साथ में महिलाओं के लिए कितना सेहतमंद है मेंटली और फिजिकली, आइए सुने क्या कहते हैं लोग। योग हमारी भारतीय संस्कृति की बहुत पुरानी परंपरा रही है और योग के रूप में पूरा भारतवर्ष जाना जाता था, लेकिन बीच के कालखंडों में हम लोग इस विद्या को भूल गए थे। और अब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको फिर से विश्व योग दिवस के रूप में स्थापित किया गया, तो आज विश्व के 200 से ऊपर देश इसे मना रहे हैं और हम पूरे भारतवासी इसको मना रहे हैं, तो हम इसके लिए सबको शुभकामनाएँ दे रहे हैं। महिलाओं के लिए कितना बेनिफिटेबल है ये योग दिवस और योगा करना? योग दिवस सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और जहाँ तक महिलाएं की बात है तो महिलाएं के लिए और ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि महिलाएं परिवार की पीढ़ी एक सबसे बड़ी सीढ़ी है, उन्हीं पे पूरे परिवार की जिम्मेवारी है, बच्चे का, परिवार का, सारे चीज़ों को, तो उन पे सबसे ज़्यादा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से परेशानी होती है। तो कम ही समय में, कम एज ग्रुप में ही डायबिटीज़, आर्थराइटिस, बैक पेन, ये सब बीमारी उनमें बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो योग के शरण में आने पर इन सब बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। और कितना फायदेमंद है पुरुषों के लिए योगा करना? सबके लिए, बच्चे हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, किसी भी एज ग्रुप में है, सबको फायदेमंद है, क्योंकि ऑक्सीजन हम सब लेते हैं, विदाउट ऑक्सीजन किसी का लाइफ नहीं है। और जब बच्चे हैं तो उनके लिए भी क्या भाई, तो शारीरिक डेवलपमेंट चाहिए, मानसिक डेवलपमेंट चाहिए, अगर जॉब में है तो स्ट्रेस तनाव से कैसे हम दूर रहें, उसमें उनको काफ़ी फायदा होगा। तो जिस किस फील्ड में हो आदमी, सबको योग की ज़रूरत है। हम 10 साल से योगा कर रहे हैं। इस बीच आपको क्या क्या अंतर नज़र आया अपने आप को? मेरा पैर में बहुत दर्द रहता था, तो उसके लिए हम आदित्य सर से मिले तो बताया कि योग कीजिए। उस टाइम से हम योग जो शुरू किए और कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैर में कभी कभी दर्द रहता है लेकिन इसे बहुत ठीक हो गया, और कोई रोग नहीं अभी तक हुआ है। मेरा उम्र 61 साल के हम हैं, कोई रोग अभी तक नहीं हुआ है, इसीलिए बहुत अच्छा है योग। हम लेके भी आते हैं बहुत को, आप फ़ायदा बताते हैं उन लोगों को कि बहुत फ़ायदा है, चलिए यहाँ पर बहुत अच्छा योगा होता है, और वो लोग आने के लिए भी सोच रहे हैं, लेकिन अपने लिए टाइम किसी को निकलते ही नहीं। हम लोग को घर में ही करते भी हैं तो ऐसा योगा नहीं हो पाता, अपने से बस कुछ किए बस ख़त्म हो गया, लेकिन आदित्य यहाँ पर बहुत अच्छा योगा होता है। जब हर दिन सुबह में आकर यहाँ पे इस आश्रम पे हम लोग योगा करके जाते हैं तो पूरे दिन के काम के लिए हम लोगों को एनर्जी मिलता है। ऐसा नहीं है कि योगा करने से थकान होता है, जनरली लोग सोचते हैं कि योगा करते हैं थक जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। योगा करने से दिन भर के लिए काम करने के लिए एनर्जी मिलता है, सारे दिन का थकान दूर होता है, और जो भी बीमारियाँ होती हैं, एक्चुअली बीमारी तो होने देता नहीं है, जो लोग रेगुलर योगा करते हैं उनको बीमारी होती नहीं है जल्दी, ठीक है। और अगर मन स्वस्थ रहता है तो आने वाली बीमारी भी आने से पहले ही दूर हो जाती है, तो हम लोग बहुत अच्छा, बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। हम लोगों काम लेडीज़ लोग का क्या होता है, पूरा दिन स्टैंडिंग वर्क रहता है, घर पे, बाहर पे, अगर वो घरेलू लेडी है तब भी, ऑफिशियल है तब भी, तो अगर दिन में 1 घंटा अगर आप टाइम निकालते हो खुद के लिए तो वो आपके लिए पूरा दिन आपको रिचार्ज कर देता है काम करने के लिए, चाहे आप घर पर काम कर रहे हैं या फिर ऑफिस में काम कर रहे हैं। हमेशा सिटिंग वर्क है, स्टैंडिंग वर्क है, तो कभी बैक बोन में पेन हो रहा है, कभी घुटने में दर्द हो रहा है, ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं देता है, तो हम लोगों को बहुत अच्छा, हम तो बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं पूरे दिन भर। मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हम इससे 7 साल से जुड़े हुए हैं योगा में, और हम 7 साल से कर रहे हैं। बहुत महिलाओं के लिए क्या कहना चाहिए? महिलाओं के लिए ये कहना चाहेंगे कि अपने दिनचर्या में 1 घंटा अपने आप को योगा के रूप में रखना चाहिए, रेगुलर योगा करना चाहिए, उसका लाभ उठाना चाहिए। जो डॉक्टर ने मतलब फ़ायदा नहीं होता है डॉक्टर से, वो योगा से होता है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि एवरीवन को करना चाहिए।